हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो नया सब्जेक्ट है, तो टेंशन मत लो बच्चों लोग। तो तुमको 30 मार्क का आएगा, तो क्या आंसर पढ़ना सुनो। तो जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें तुमको उसका सिग्निफिकेंस पढ़ना है, और दूसरे में प्रीएम्बल का कंटेंट पढ़ना है, स्ट्रक्चर जो तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा ना, वी सोलमली वाला पूरा। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या IMP आंसर ये पढ़ना ही, ओके, छोड़ना नहीं है। फिर एक फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये 5 टॉपिक तुम्हारा मेन है, ओके, तुमको जिता देगा। फिर जुडिशियल सिस्टम आता है, जज लोग आते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फंक्शन पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट बाप होता है, जज हाई कोर्ट से छोटा होता है, ओके, दोनों का फंक्शन और पावर पढ़ना है। फिर एक आंसर आएगा PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। लास्ट वाला चैप्टर स्किप करेगा तो भी चलेगा, पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर शॉर्ट नोट है। अब एक चीज़ बताने का मतलब, ये तुमको पढ़ना, उसमें केस स्टडी भी डालना है। तो मैंने आंसर पूरे अच्छे खासे अपलोड कर दिया बच्चों लोग, तो तुम लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। अगर तुमको कुछ चाहिए पर्सनली है तो नंबर पर मैसेज कर देना, मैं तुमको सेंड कर दूंगा, प्यार से गुरु दक्षिणा दे देना, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा हार्ड है, पर अपन पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, टेंशन नहीं लेने का।